दोस्तों एक सवाल कहीं ना कहीं सबके मन में रहता है कि आखिर पिंडदान क्यों करते हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति यहाँ कुछ लोग जो है पिंडदान करने आए थे और मैंने इनसे बात की और ये आपको बताएंगे कि पिंडदान क्यों करना चाहिए और क्यों करते हैं, वो सभी चीज़ ये आपको बताएंगे। तो सर पिंडदान क्यों करते हैं? जिससे हमारा एक निजी तौर पे हमारा मानना है। आप कहाँ से आए? हमारी फैमिली लेके हम नागपुर से हैं और हमारा जन्म स्थान वैसे सिवनीस है, लेकिन हमारी धारणा जो है हमारे सनातन धर्म से चली आई है, भगवान राम के समय से उस धारणा को हम लेके चले आते हैं। उसी धारणा पर हम एक समाज, हमारा जीवन एक सामाजिक जीवन है, तो समाज को लेके हम उसी धारणा पर बढ़ते हैं आगे। तो हमारा पूर्वज हमें उसी धारणा पर लेके बढ़े हुए, हम उसी धारणा पर लेके बढ़े होंगे और उसी सोच को लेके हमारी संतान इस पीढ़ी को लेके आगे बढ़ेगी। उसी धारणा, जैसे हम एक आमदनी कमाते हैं, एक उदाहरण के तौर पर आमदनी कमाते हैं, आमदनी का हिस्सा हम तीन भागों में खर्च करते हैं, जो पिछला हमारा कर्ज हुआ उसमें और हमारा आने वाला खर्च और तीसरा जो है हमारा वर्तमान में। तो इसी तरह से हमको ये हमारे जो पूर्वज जा चुके हैं उनके शरीर को छोड़ चुके हैं, उनकी आत्मा विलीन शरीर ऊपर भगवान के साथ मिलीन हो जाती है, उसका हमको मोक्ष दिलाने के लिए हम ये पिंडदान को किया जाता है कि हमारा उसको मोक्ष दिला जाए। उनका पहले फाल्गु नदी में आह्वान करते हैं, फिर विष्णुपद में उनका पिंडदान किया जाता है और इधर भी अक्षयवट है, वहाँ पर अक्षयवट में उनको मोक्ष दिलाया जाता है। इस प्रकार से हम पंडित हमारे आगे जो है हमको इस प्रकार से आगे बढ़ाकर पिंडदान हमारे पूर्वजों का कराते हैं, ताकि हमारे अंदर जो धारणा बनी है हमारे पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है और हमारी आने वाली पीढ़ी जो हमारी संतान है वो आगे सुखी रहती है। हमारे पूर्वज भी मन भी से सुखी रहता, ताकि हमको आशीर्वाद देके जाते हैं, हम भी हमारा वर्तमान भी सुखी हो जाता है और इस प्रकार से हमारी आगे आने वाली पीढ़ी बने वर्तमान आगे आने बच्चे भी सुखी हो जाते हैं। अच्छा, आप अभी किसका पिंडदान? मैं मेरे पूर्वजों का साथ 6-7 पीढ़ी का पिंडदान नहीं होता और मेरा छोटा भाई, हाँ छोटा भाई जो कोविड से एक्सपायर हुआ था दीपक भट्ट, और पिताजी जो है लीवर से एक्सपायर हुए थे दिसंबर 2020 में, और छोटा भाई जो है 2021 में अप्रैल में 4 महीने में वो एक्सपायर हो चुका था। तो इसलिए वो दोनों का मैं करने के लिए आया था और मेरे 7 पीढ़ियों का पिंडदान करने के लिए आया था। मतलब अगर कोई पिंडदान करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मतलब पिछला कर चुका दिया पूरा, आत्मा मेरी पूरी ऐसे मैंने अपना सब कुछ कर दिया होता है कि मेरे पिताजी मेरे लिए इतना कुछ किया, हम तो इतना भी कर ही सकते हैं, मुक्ति दिला ही सकते हैं। हाँ, मैंने पिछला पूरा कर चुका दिया और मेरे आने वाली संतानों को सुखी जीवन में देके अपना जा सकता हूँ। मेरे को मैं अपने आत्मा पूरी तृप्त हो गई, इस तरह से संतृप्त मान अपने आप को जान रहा हूँ। ये कह सकते हैं परिपूर्ण जो इंसान जो होता है वो इस क्षण पे आके परिपूर्ण होता है, पिछला भी चुका के जाता है, आने वाली संतानों को सुखी जीवन दे के जाता है, कर्ज चुकाना पड़ता है ना, अपना वर्तमान भी सुखी करके जाता है, कर्ज चुकाना पड़ता है। क्या जरूरी है कि मतलब आप कर्ज चुका दिए आपके बच्चे को भी चुकाना चाहिए? जरूरी नहीं है, तो हर वैसा जरूरी तो होता ही है, लेकिन ये हर किसी आप पिंडदान कर दिए तो आपके बच्चे भी करना चाहिए। हाँ, करना तो चाहिए उनके लिए और उनके पूर्वजों के लिए और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, लेकिन समय रहते जिसके पास जिसका ये सही में धारणा मन में रहती है वो जिस प्रकार का सनातन धर्म को लेके बढ़ता है वो इंसान धार्मिक अध्यात्म सोच वाला रहता है, वही कर पाता है। हर कोई इंसान करने के लिए इच्छुक नहीं होता है, बढ़ता नहीं उसके लिए, तो आध्यात्मिक सोच वाला ही आगे बढ़ेगा, हर कोई इंसान नहीं बढ़ता है। तो जो नहीं करते हैं पिंडदान उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए तो कुछ होना नहीं है, लेकिन वो है कि उनके कुल से किसी एक ने कर दिया तो उसको उनकी जो है बाकी पीढ़ियों का मोक्ष में हो जाता है। ये गयासुर एक राक्षस की ऐसी कहानी है कि इनके अगर इनका जिनका जो दर्शन, अच्छा चलिए अब कोई वहाँ से कमेंट करेंगे, कोई सवाल पूछेंगे कि मुझे नहीं पता कि मेरे पूर्वज पिंडदान किए हैं या नहीं किए हैं, तो वो कैसे करेंगे, किनका करेंगे? हाँ, तो हमारे जो पूर्वज है, हमारे दादा, हमारे पिताजी, वो हमको बताते हैं कि हमारे पूर्वजों का पिंडदान हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं है पता किसी को, नहीं है पता। हाँ, नहीं पता होने पर देखो आपको मन में ऐसा भावना लग रही है, ऐसा लग रहा है कि हमारे पूर्वजों का पिंडदान नहीं हुआ है, ऐसी कुछ अपने को स्वप्न आते हैं, ऐसी कुछ सामने चेतावनी आती है, तो आप बिल्कुल हेबेचक होकर आपके पितरों का पिंडदान कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने डबल भी करा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, काफी अच्छा लगा ये जानकारी। यार मैं भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज था, मेरे जो बड़े दादी थे वो हाल ही में इधर डेथ किए थे, तो बड़े पापा सब आए थे यहाँ पिंडदान करने के लिए, हाल में पिंडदान करके गए। मैंने पापा से बात भी किया था, पापा बहुत कुछ समझाए भी थे, बट यहाँ जब सामने आंखों से देखे और जब बताए तो और भी अच्छे तरह से इसको समझने का कोशिश किए, और मुझे उम्मीद है कि
आप लोगों के मन में भी ऐसा सब डाउट जो है, ऐसा क्वेश्चन कहीं कहीं आता होगा, बस वही चीज़ मैंने पूछने का काम किया ताकि आपका वो डाउट ख़त्म हो जाए। और आप भी अगर आगे चल के कुछ पिंडदान वगैरह ऐसा कुछ काम करते हैं, आप अच्छे से यहाँ कर सकते हैं और मन में जो आपका शंका है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा भैया के लिए एक लाइक दबाइएगा और कहाँ से है एक कमेंट कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा एक कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।